इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वक्त से ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि छुट्टियों में इस बार भी इजाफा हो जाएगा सर्दी की छुट्टियों में 2020 में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है मुल्क के तमाम हिस्सों में। तो वाकई अब ये न्यूज़ सामने आ गई है कि सर्दी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया, जो कि शदीद सर्दी की वजह से किया गया है। सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और अभी बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो 2020 की सर्दी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। इसकी तफसीलात जो है हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये न्यूज़ ये छपी है आज के न्यूज़पेपर में, पिशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। शदीद सर्दी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे स्कूल जो है वो 1 जनवरी को खुलने थे, अब वो 1 जनवरी की बजाय 7 जनवरी को खुलेंगे तमाम स्कूल। मशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगेश ने कहा है कि ये फ़ैसला तलबा और असातिज़ा की परेशानियों और मुश्किलात को उनके पेश नज़र किया गया है, और ये तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो है वो अब 7 जनवरी से पहले नहीं खुलेंगे। 7 जनवरी तक वो स्कूल सारे बंद रहेंगे और इसका नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिया जाएगा। तो ये KPK के ये स्कूल्स के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया छुट्टियों में उनको, 1 जनवरी को स्कूल खुलने थे लेकिन अब वो नहीं खुल रहे हैं। तो इस बार बाकी भी मुल्क के हिस्सों के बारे में उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर भी स्कूल की छुट्टियाँ जो है मज़ीद बढ़ जाएंगी, 5 जनवरी से आगे शायद एक हफ़्ता मज़ीद बढ़ जाएँ। तो ये लेकिन इस बारे में अभी सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुआ है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद जो है इस बारे में जो अपडेट होगी आपको फ़ौरन आपको मिल सके। थैंक यू।